रुख करते एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई, सीबीआई के नए चीफ पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के सामने तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। पीएम आवास पर 2 घंटे, नए निदेशक पर मंथन हुआ। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग मैं सीबीआई के नए चीफ पर चर्चा हुई और पीएम मोदी के सामने तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। इसी पे और जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं गीत दीक्षित जी। तो पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग पर सीबीआई के नए चीफ पर चर्चा, जी सबसे बड़ी बात इसमें है कि सीबीआई चीफ को लेकर जो है लगभग आधा दर्जन से अधिक नामांकन चर्चा की गई और इसमें जिस तीन सदस्य की बैठक में सीबीआई रमन्ना और अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता प्रमुख हैं वो थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो है कि जब प्रधानमंत्री के सामने हमारे कुछ जानकारी आधा दर्जन से अधिक नामांकन पर बात हुई थी, उसमें जो है लगभग तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए गए, लेकिन वो अभी अधिकृत सूचना नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्रों को जानकारी है, राजेश चंद्रा है जो डीजीसीआईएसएफ है, उसके बाद सुबोध जायसवाल है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कौमुदी भी हैं जो गृह मंत्रालय में पदस्थ हैं, साथ ही जो है पीके अवस्थी हैं जो डीजी उत्तर प्रदेश हैं। इन चार नामों की जानकारी हमारे पास है। इसके अलावा ये नामों पर सहमति बन सकती है, बहुत ही जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसके भीतर जाके कालांतर का बता दूं इरम कि जब आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच में जो विवादों का दौर चला था पिछले वर्ष, उसके बाद से पद खाली पड़ा हुआ है। अभी अंतरिम जो है चीफ जो है वो प्रवीण सिन्हा है। प्रवीण सिन्हा अभी काम देख रहे हैं, लेकिन लगातार सीबीआई के निदेशक का पद तत्काल प्रभाव से भरा जाए, इसको लेकर कल हाई लेवल मीटिंग हुई। लगभग 2 से 2.25 घंटे संवाद हुआ है। संवाद में यह तय किया गया कि आखिर जो शॉर्टलिस्ट नाम दिए गए हैं उसको लेकर गृह मंत्रालय से बात की जाएगी और गृह मंत्रालय में बात होने के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर नए अफसर की तैनाती किसकी की जाए। लेकिन जहां तक प्रबल दावेदार माना जा रहा है वो राजेश चंद्रा को माना जा रहा है, डीजी सीआईएसएफ है, और वही डीजी उत्तर प्रदेश का नाम भी बड़ा प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन वाईकेएस कौमुदी जो गृह मंत्रालय में इस समय बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके नाम की चर्चा बहुत जोर से है। आपको मैं बता दूं की सीबीआई के चीफ का दायित्व मध्यप्रदेश के पूर्व डीजी ऋषि कुमार शुक्ला भी निभा चुके हैं। ये कुल मिलाकर सीबीआई ये काम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को लेकर मानता है और इसको लेकर तय करना बहुत आवश्यक हो गया था, इसलिए अचानक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीत दीक्षित जी पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग उनके निवास पर हुई और सीबीआई के नए चीफ पर यहाँ पे चर्चा हुई। तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पीएम आवास पर 2 घंटे तक नए निदेशक पर मंथन किया गया।